नमस्कार, मैं पवन कुमार, आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मुकदमों के अंदर मुकदमे जाते हैं, कई प्रकार के केसेस सामने आते हैं, कई प्रकार की प्रताड़नाएं सामने आती है, और आज हम जिस मुद्दे को लेकर इस प्राइम टाइम में बात कर रहे हैं वो मुद्दा है दहेज प्रताड़ना। आपको बता दूं कि दहेज प्रताड़ना एक ऐसा भारत देश के अंदर मुद्दा है जिस मुद्दे के अंदर पीड़ित तो फंसता भी फंसता है, जबकि जो पीड़ित ना हो नहीं होता है वह पीड़ित भी फंस जाता है। आपको बता दूं कि वो पीड़ित क्यों फंस जाता है कि 99% हमारे देश के अंदर दहेज प्रताड़ना के जो केसेस होते हैं वो केसेस झूठे होते हैं। उन केसेसों के अंदर क्या कहानी होती है, आज इस आवाज़ न्यूज 24 के प्राइम टाइम में मैं आपसे उसके बारे में विचार आपसे अवगत करूंगा। दहेज प्रताड़ने के जो मुद्दे होते हैं, इन मुद्दों के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, आजकल की जो पारिवारिक स्थितियां हैं उन स्थितियों को देखते हुए ये चीज़ सामने आती है कि कई परिवार अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद में कई परिवारों की स्थितियां इस प्रकार से हो जाती है कि उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं लालच का भाव आ जाता है, या एक पत्नी की अपने पति से अनबन हो जाती है, या पत्नी या पति के अंदर कोई तालमेल नहीं बैठ पाता है, या ये देखा जाए कि संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी आती है। और जब संस्कारों की कमी आती है तो एक बहू जो होती है वो अपने ससुराल के प्रति जो कर्तव्य जो नियम होते हैं जो दायित्व जो होते हैं वो दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं कर पाती है। और जब दायित्व का निर्वहन नहीं हो पाता तो उसका कारण क्या होता है कि वो जो पत्नी होती है, वो जो बहू होती है, जो बेटी जो बहू बनकर घर में आती है, वो बहू अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दहेज प्रताड़ना के मुकदमे उसे डाल देती है और वो केस बनता है दहेज प्रताड़ना। जबकि देखा ये भी जाता है प्राय कि दहेज प्रताड़ना के 99% के झूठे वो इसलिए होते हैं। इसमें कहानी कई प्रकार से सामने आती है, तो पत्रकारिता की इस लाइन में हमने ये चीज़ भी देखी कि कहानी जो सामने आती है वो सामने इसलिए आती है कि कहीं ना कहीं माता पिता अपनी बच्चियों के ऊपर, जिन बच्चों की वो शादी कर देते हैं, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर की अगर बात की जाए या एक संवेदना की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं उनसे इस प्रकार से दिल लगी लगा लेते हैं कि नहीं, हमें ससुराल वालों के पक्ष में ना ही बोलना है, हमें उनके विपक्ष में बोलना है। और वहाँ पक्ष और विपक्ष की जो राजनीति है वो राजनीति इस कदर से हावी हो जाती है कि वो बहू जो है, जो बहू एक लड़की जो बेटी बनकर जिस परिवार में आती है और उस परिवार में आने के बाद में वो इस प्रकार से एक दहेज का ड्रामा रच देती है, और वो ड्रामा जो है हमारे भारत देश के अंदर दहेज प्रताड़ना जैसे केसेस का रूप धारण कर लेता है। अंत में हालत इस प्रकार से होती है कि जो पीड़ित परिवार होता है, जो लड़के वालों का परिवार होता है, वो परिवार जो है उस प्रताड़ना के अंदर पिसता हुआ जाता है। एक आटे की चक्की में एक परिवार इस प्रकार से फंसा दिया जाता है कि उसका जीना हराम हो जाता है, इस जीवन में जीना उसका बिल्कुल हराम हो जाता है। और वो अपने लाइफ के अंदर एक ही भी चीज़ सोचता है कि या तो मैं अपने जीवन को सार्थक बना लूँ या मैं अपने जीवन की हत्या कर लूँ। तो इस प्राइम टाइम में हम आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि आज इन जो मुकदमे जो सामने आते हैं, जो केसेस सामने आते हैं, अभी रिसेंटली हमारे पास भी इस प्रकार का एक केस सामने आया कि जिसके अंदर एक परिवार पूरी फैसिलिटी अपनी आने वाली नई बहू को देता है, बहुत प्यार करता है, बहुत सम्मान देता है, बहुत मान देता है, हर प्रकार से उसे हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उसे देता है। उसके बावजूद भी उसके साथ में ऐसी अनहोनी हो जाती है कि वो लड़की किसी और लड़के से प्यार करती है, उस लड़की का दिल किसी और लड़के के साथ में होता है, और उसकी कहानी कहाँ होती है, उसकी कहानी इस प्रकार से हावी हो जाती है कि वो एक रूप जो है दहेज प्रताड़ना का हो जाता है। तो आज हम इस प्राइम टाइम में आपको यही कहना चाहेंगे कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार के गृह की कई प्रकार की विडंबनाएं सामने आएगी। अब सरकार को, प्रशासन को, और हम यही उनसे अपील भी करेंगे कि इन प्रकार के केसों के अंदर जहां महिला थाना भी इसमें इन्वॉल्व होता है और कई प्रकार के थाने भी इन्वॉल्व होते हैं, कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो हमें इन मामलों के अंदर अब गहनता से, निष्पक्ष रूप से इनकी पूरी जांच करनी चाहिए। हमें पूरी अंदर की गहराई तक जानी चाहिए, हमें ये क्लू ढूंढने चाहिए कि कहीं ना कहीं लड़कियां भी कहीं ना कहीं गलत होती हैं, और उनके एक छोटी सी गलती के कारण उनके परिवार का बिखरना हो जाता है।
तो ये आवाज़ न्यूज़ 24 के इस प्राइम टाइम में मैं आज आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो केस होते हैं, इस प्रकार की जो प्रताड़नाएं होती हैं, इन प्रताड़नाओं के ऊपर जल्द ही आवाज़ न्यूज़ 24 बहुत बड़ी मुहिम जो है कि स्टार्ट कर रही है। और इस मुहिम के अंदर मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन ही करना चाहूँगा कि आप इस मुहिम में हमारा साथ दें, क्योंकि हमारा इस आवाज़ न्यूज़ 24 की जो आवाज़ है उसका एक ही आगाज़ है, और वो आगाज है कि आप हमें निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमारा साथ दें, ताकि निष्पक्ष होकर हम हमारी आवाज़ को कानून और प्रशासन के सामने हम रख सकें, एक पीड़ित परिवार जो है वो अपनी पीड़ा का बयां कर सके और सुरक्षित जीवन के माहौल के अंदर वो सुरक्षित रह सके। गलतियां होती हैं, मानते हैं, लेकिन इन गलतियों का निस्तारण भी होता है, और उसी निस्तारण के लिए आज मैं इस प्राइम टाइम में आपको पुनः आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आवाज़ न्यूज़ 24 जो पहल करने जा रहा है दहेज प्रताड़ना के 99% मुकदमे झूठे हैं, इन मुकदमों के ऊपर आवाज़ न्यूज़ 24 बहुत बड़ी मुहिम छेड़ने जा रहा है। तो आप सभी लोगों से फेसबुक लाइव प्रोग्राम में बैठे मेरे सभी लोग मेरे चैनल पर देख रहे हैं और मेरे जो लाइव टेलीकास्ट जो देख रहे हैं उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।